हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत को जवाब देने के लिए भारत और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ होने जा रहे हैं। सिंगापुर में हुई इस बैठक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी साझा प्रतिबद्धताएं दोहराई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में जारी एक बयान में कहा कि सिंगापुर में हुई इस बैठक के दौरान संपर्क बढ़ाने, सतत विकास, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, परमाणु अप्रसार और साइबर सुरक्षा जैसे कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन चारों देशों ने इस बात पर भी जोर दिया कि आसियान मुख्य रूप से स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का केंद्र है। आपको बता दें, अमेरिका इस इलाके में भारत पर और बड़ी भूमिका निभाने के लिए जोर डालता रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इस इलाके में चीन का प्रभुत्व बढ़े। पिछले साल नवंबर में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गठबंधन बनाने की गति तेज करने का फैसला किया था, जिसको देखते हुए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हिंद प्रशांत के ये चारों देश आपसी बैठक को गुट या गठजोड़ या किसी तरह का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बैठक की काफी अहमियत है। चारों देश हिंद प्रशांत इलाके में शांति और स्थिरता को चीन द्वारा पेश आ रही चुनौती का एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। भारत चीन को ये आभास नहीं देना चाहता कि वो चीन के खिलाफ किसी मोर्चेबंदी में शामिल हो रहा है, लेकिन भारत भी यही चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी खत्म हो। चीन न केवल दक्षिण चीन सागर बल्कि हिंद महासागर में भी अपने पांव पसार रहा है और भारत सहित पूरी दुनिया के लिए ये चिंता का मसला बना हुआ है कि चीन की इस रणनीति का किस तरह से मुकाबला करें। भारत का इरादा इस पूरे इलाके में शांति और स्थिरता कायम करना है और ये चीन को भी साथ लेकर हासिल किया जा सकता है। चीन अगर इसमें शामिल हो जाए तो बाकी देशों के लिए भी ये राहत की बात होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन दक्षिण चीन सागर के इलाके में अपनी रणनीति बदलेगा और इस इलाके के बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का सपना छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।